कभी कभी आपने नोटिस किया है, अगर आप मार्केट से लोकल स्टीरियो लगवा रहे हैं 9 इंच 10 इंच का, या आप शोरूम से ब्लॉपंग लगवा रहे हो, या आप ये सोनी का स्टीरियो लगा रहे हो, सब स्टीरियो में ना एक चीज आप कॉमन करना, जो यूएसबी का पॉइंट है ना कंपनी आपको यहाँ दे देती है। देख सकते हैं आप, ये देखिए यूएसबी का पॉइंट कंपनी यहाँ दे देती है। अब यहाँ पॉइंट देने से कंसर्न सबसे बड़ा क्या आता है, अब मुझे अपने फोन को अगर यहाँ से कनेक्ट करना है तो मुझे अपनी लीड को इससे कनेक्ट करके यहाँ पे अपने फोन पे प्लग करना पड़ेगा, राइट। और उसके बाद अब मैं अगर इस लीड को बाहर निकालता हूँ, ये देखिए मैंने इस लीड को जैसे ही बाहर निकाला तो ये बंद नहीं होगा, आप देख रहे हैं ये बंद नहीं होगा। अब ऐसे ही लीड में अगर मैं गाड़ी रन करूंगा तो प्रॉब्लम होगी, राइट। मुझे एप्पल कारपेट लाना है इसके अंदर, या मुझे इसके अंदर पेनड्राइव लगानी है तो मुझे इसको खोल के रखना पड़ेगा, या पेनड्राइव अंदर करके मुझे इसको बंद करना पड़ेगा। और इसी के मुकाबले अगर आप टॉप मॉडल में चलते हो तो टॉप मॉडल के अंदर ऑप्शन आपको यूएसबी का यहां दिखता है, देख रहे हैं यहां आपको यूएसबी के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसके थ्रू पेनड्राइव को या एप्पल कारपेट आपने एक्सेस करना है तो आप यहीं से कर सकते हैं। मैं इस समय जिस गाड़ी में बैठा हूं उसमें मैंने सोनी का स्टीरियो लगवाया था, एक्सवी AX8100। इस कस्टमर ने क्या किया, पेनड्राइव का ऑप्शन यहां था मगर बार बार लीड निकालना कन्वीनियंट था, अनकन्वीनियंट था इनके लिए, तो इन्होंने ये वाली लीड भी मंगवा ली। इस लीड से क्या ये करते हैं, ये अपने पॉइंट को, इस वाली लीड के पॉइंट को इस पे कनेक्ट करके यहां पे यूएसबी निकाल देते थे ऐसे, तब भी प्रॉपर बंद नहीं होता था। मगर इस अनकन्विंसी को दूर करने के लिए, हालांकि देखिए मुझे चलना कस्टमर के अकॉर्डिंग है, आप हैप्पी होंगे तभी आप मेरे से काम करवाएंगे, इस कस्टमर की अनकन्विंसी को दूर करने के लिए मैंने यूएसबी का पॉइंट आज यहाँ इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। मैं आपको इंस्टॉलेशन का पूरा प्रोसेस बताऊंगा और इंस्टॉलेशन की पूरी वीडियो दिखाऊंगा ताकि आप समझ जाएंगे कि क्या आपके लिए यूजफुल है या नहीं। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं फिटिंग प्राइसिंग के बारे में, मैं आपको बताता हूँ। आइए मैं आपको दिखाता हूँ टॉप मॉडल के यूएसबी ऑप्शंस को उसके अंदर इंस्टॉल करके आपको मैं दिखाता हूँ, आपको पता लगेगा कितना आसान और कन्वीनियंट फिटिंग है, जिससे आप अपने किसी भी मॉडल में इसको आप इजीली लगा सकते हैं। आइए ये देख सकते हैं टॉप मॉडल है आपके सामने, बैठी पीछे बैठी, आप देख सकते हैं टॉप मॉडल में आप बैठे हैं। हम इसका ये वाले पॉइंट को ना, इस वाले पॉइंट को इस पे से अनइंस्टॉल करके हम टॉप मॉडल में लगाएंगे। दोस्तों जब हम इसको टॉप मॉडल में लगाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि कन्वीनियंसी की बात मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, ताकि आप डिसीजन आराम से ले पाएंगे। अगर खोलना चालू करना है इसको, ये देखिए आप, हमने इस वाले पॉइंट को अपने बेस मॉडल में लगाना है ताकि मैं यूएसबी की ये वाली फिटिंग जो आपको ऑर्डिनरी गाड़ी में मिलती है, जो भी आप स्टीरियो लगाते हो, जो भी आप अपनी गाड़ी में स्टीरियो लगाते हो, टच स्क्रीन लगाते हो या मार्केट से लगवाते हो, कहीं से भी लगवाते हो, आपको वो वाला पॉइंट जो भी कंपनी यहां देती है ना, ये वाला पॉइंट हम इससे भी इजीली लगा सकते हैं ताकि आपके लिए कन्वीनियंसी हो जाए और आपको इंस्टॉलेशन और यूज करना आसान हो जाए। इसमें से एक कपलर ये आपका निकलता है, एक कपलर ये निकलता है आपका, और एक कपलर ये निकलता है, ये आपका अनइंस्टॉल हो गया, आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन अनइंस्टॉल हो गया। अब कंपनी ने इसके अंदर आपको 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, पहला पॉइंट 12 वॉट का आपको सिक्रेट लाइटर दे रखा है, आप इसे चार्जिंग भी कर सकते हैं आप। एक पॉइंट कंपनी ने यूएसबी का दे रखा है, ये पॉइंट को कनेक्शन हम करेंगे स्टीरियो के साथ, आप कोई सा भी स्टीरियो लगा लीजिए गाड़ी में, आप कोई सा भी स्टीरियो लगा लीजिए, इसका आप इजीली इसको कनेक्शन कर सकते हैं। आप 9 इंच का लगाइए, 10 इंच का लगवाइए, सोनी, जेवीसी, पाइनियर, कोई भी कंपनी का लगवाइए, आप इससे इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट कंपनी ने आपको दिया है ये वाला, इस वाले पॉइंट का रीजन कंपनी का देने का क्या है, अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन नहीं है चार्जिंग का तो आप इसके थ्रू भी चार्ज आप कर सकते हैं। अब हमें क्या क्या प्रोडक्ट चाहिए, हमें पहला ये पैनल चाहिए, दूसरा ये पॉइंट चाहिए, तीसरा ये पॉइंट चाहिए, चौथा ये पॉइंट चाहिए। प्राइसिंग का डिस्कशन हम सेकेंडरी करते हैं, पहले मैं इसको बेस मॉडल में लगा के दिखाता हूँ। चलिए अब हम चलते हैं टॉप मॉडल से निकल के बेस मॉडल की गाड़ी में और इसको इंस्टॉल करके मैं आपको दिखाता हूँ। आइए चलिए, ये देख सकते हैं आप, ये वाला पार्ट अनइंस्टॉल हो गया है, इस वाले पार्ट से मैंने ये वाला पॉइंट अलग किया, देख सकते हैं आप, ये वाला पार्ट अनइंस्टॉल हो गया और ये वाला पार्ट अब हमने इंस्टॉल करना है। अब आप दोनों में ना एक चीज कॉमन देखिएगा, अगर मैं आपको फ्रंट तो मैंने दिखा दिया, बैक पे चलते हैं, ये देखिए ये वाला पॉइंट दोनों में है, हमें ये चाहिए और ये चाहिए। अब मुझे इसको इंस्टॉल करना है, पहले मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा आप कैसे लगा सकते हैं। इस वाले पार्ट को लगाइए इस पे आप, मैं अभी आपको रफली रख के दिखा रहा हूँ, फिटिंग दिखाना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि मैं अभी गाड़ी है नहीं, मैं भी किसी कस्टमर की गाड़ी में काम कर रहा हूँ। ये वाला पार्ट देखिए मैंने इस पे इंस्टॉल कर दिया
और ये वाली जो यूएसबी देख रहे हैं ना दोस्त, आप ये वाली जो यूएसबी देख रहे हैं ना, ये यूएसबी आपकी स्टक होके इस पे आ जाएगी इजिली। अब आपके पास ये वाला पॉइंट वर्किंग में आ गया। अब देखिए आप, मेरे कहने का मतलब इसमें तो ये वाली कनेक्शन है ना, ये वाला कनेक्शन आपका आ गया इजिली इसके ऊपर। देखिए ये वर्किंग में आ गया आपका। अब इस वाले पॉइंट में आपकी ये वाली यूएसबी आ जाएगी। अगर मैं बात करूं कैसे आएगी, लगभग आपकी ये यूएसबी आपकी ऐसे आ जाएगी। देख रहे हैं आप, आपके टू पॉइंट्स मैंने सॉर्ट आउट कर दिए। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। ये वाला पोर्शन चार्जिंग का है, आप देख रहे हैं वाला पोर्शन चार्जिंग का है। अगर मैं चाहूं इस वाले पोर्शन को भी मैं यहां लगा सकता हूं कोस्ट कटिंग के लिए। इसका मैं आपको लास्ट पे बताऊंगा जब कोस्ट का चैप्टर बताऊंगा। मान के चलिए मैंने इसको यहां से अनइंस्टॉल किया, इसको खोलना एक मिनट। वीडियो की लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने इस वाले पार्ट को अनइंस्टॉल क्यों किया, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिंग ज्यादा है, मुझे कम खर्चे में ज्यादा काम करना है, इसलिए मैंने इस वाले पार्ट को निकाला। और आपको मैं बताऊंगा कम पैसे में कैसे इस वाले पॉइंट को आप लगा सकते हैं। बस इस वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, पूरी देखेंगे तभी आप इसको समझ पाएंगे। ये देखिए, ये वाला पोर्शन से मैंने इस वाले पॉइंट को निकाल दिया। अब मैंने इसको क्यों निकाला, इसका मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, ये थोड़ा सा सीक्रेट है, इसको हम अलग रखते हैं। अब मैंने क्या किया, इस वाले पोर्शन से इस वाले पॉइंट को निकाल के मैंने यहां पे इंस्टॉल करना है। मैं आपको दिखाता हूं, निकालेंगे इस वाले पार्ट को एक बार आप। चलिए आप देख सकते हैं ये वाला पॉइंट भी मैंने बेस पोर्टल से निकाल लिया। देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट मैंने बेस पोर्टल से निकाल लिया। अब मैंने इस पॉइंट को इंस्टॉल कर दिया इस पे। ये मेरे पास ये वाला इंस्टॉल हो गया, एक ये इंस्टॉल हो गया। आप देख सकते हैं मैंने दो 12 वॉट के लगाए हैं, यूएसबी लगाए हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि मैंने ये क्यों नहीं लगाया। चलिए अब हम सीक्रेट को अनवील करते हैं, मैंने ये क्यों नहीं लगाया। इसके पीछे रीजन है सर कॉस्टिंग, मुझे आपकी कॉस्टिंग भी देखनी है और आपको फीचर्स भी देने हैं सारे। अब मैं आपको बताता हूँ कि कॉस्टिंग का क्या इंपैक्ट पड़ता है इस पूरी फिटमेंट के अंदर। ये जो छोटा सा पैनल आप देख रहे हैं प्लास्टिक का, सिर्फ इस प्लास्टिक के पैनल की अगर मैं बात करता हूँ तो 70 रुपीज का ये पैनल है। मेरी बात समझना, 70 रुपीज का सिर्फ ये पैनल है, ओनली 70 रुपए। अब हम बात करते हैं सेंट्रल पार्ट की। सेंट्रल यूएसबी का पोर्ट भी आपको 3700 का मिल जाता है, आप इसको इंस्टॉल भी करवा सकते हैं। और जो बाय डिफॉल्ट यूएसबी आपके ग्लो बॉक्स में डली है, आप उसको भी लगवा सकते हैं। अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं जो मैंने अभी आपके सामने मैंने लगाया, मैं आपको दिखाता हूं ये वाला, ये लाइटर आप देख रहे हैं, इसकी कॉस्टिंग दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 380 रुपए के करीब की है, 350 रुपए का ये पीस है। मान के चलिए आपने ये पैनल मंगवाया 70 रुपीज, ये वाला पैनल मंगवाया 70 रुपीज। अब इसका क्या रीजन था कि मैंने आपको मना किया, इसकी कॉस्टिंग 3500 रुपए है दोस्तों। इस छोटे से यूएसबी पोर्ट की कॉस्टिंग 3500 रुपए है। इसकी कॉस्टिंग ज्यादा होने के पीछे रीजन है, यहाँ आपको प्लग एंड प्ले चार्जिंग ऑप्शन मिल जाता है और इसके अंदर आपको चार्ज करने के लिए रूटीन में आपको चार्जर लगाना पड़ेगा। एक चार्जर लगाने के लिए मुझे नहीं लगता कि 3500 रुपए खर्च करना कोई वर्थ है। मगर अगर मैं इस पैनल को इसे अनइंस्टॉल करता हूँ तो सर ये वाला पोर्शन खाली हो जाएगा। इस पोर्शन के खाली पैटर्न को रोकने के लिए मुझे ये वाला पॉइंट लगाना है ताकि मेरा फ्रंट का पैनल ऑकवर्ड ना लगे। मैंने इसको सिर्फ यहाँ पे इंस्टॉल किया आपके, और आपका ये वाला पैनल दोनों एक जैसे हो गए। साथ में आप चाहें तो इसको कनेक्शन भी दे सकते हैं, जैसे कनेक्शन कंपनी ने यहाँ दे रखे हैं, आप देख सकते हैं जहाँ कंपनी ने यहाँ कनेक्शन दे रखे हैं, इस कनेक्शन को आप इजिली लगा सकते हैं और साथ में आप इसको इजिली अपने बेस मॉडल में इंस्टॉल कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये आप बेस मॉडल के अंदर बैठे हैं, मैंने बेस मॉडल के अंदर आपकी पूरी फिटिंग के बारे में बता दिया है। अब आपके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाएगा कि क्या आपको ये पॉइंट लगवाना है या नहीं लगवाना। पॉइंट टू बी नोटेड, आप किसी भी गाड़ी में लगा सकते हो बेस मॉडल क्रेटा के अंदर। अगर आपने स्टीरियो मार्केट से भी लगाया तो भी आप इस वाले पॉइंट को इजिली इंस्टॉल कर सकते हो। थैंक यू।